जाहिद साहब, ये सादिया सुहेल राणा एमपीए को गिरफ्तार करने के लिए आए थे, जब वो नहीं मिले तो यहाँ पर जो एसएनजीडी की गाड़ी जो ऑफिशियली उन्हें अलॉट हुई हुई है, ये उसको बदमाशी के साथ यहाँ से कब्जा करके साथ ले जाना चाहते हैं। इनके पास कोई वारंट नहीं थे, फिर भी इन्होंने घर के अंदर घुस के सारी तलाशी ली। कोई वारंट्स नहीं थे, उसके बावजूद इन्होंने घर में घुस के पूरी तलाशी ली। ये पूरे सारे पूरी टीम की ले तस्वीर, पूरी टीम की तस्वीर लें आलीशान। ये पूरी टीम, ये सारी की सारी टीम, ये सारे अंदर आए थे और इन्होंने दंदराते हुए तलाशी ली है। और तलाशी लेने के बाद मैं दे रहा हूँ, अपना सामान तो निकाल सकता हूँ ना सर। ऑफिशियली जो गाड़ी उनको मिली भी थी, अब ये इस गाड़ी को भी बदमाशी के साथ यहाँ से ले जाना चाहते हैं। तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत अब उच्छे हद कंडों पर उतर आई है और ढटाई और निचाई की हद कर दी है कि रात के वक्त लोगों के घरों में घुस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बगैर मैं दे रहा हूँ सब कुछ दे रहा हूँ बेफिक्र बगैर स्पीकर की परमिशन के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर में घुसे हैं एसएचओ साहब और कह रहे हैं कि मेरे मुझे कोई कागज़ नहीं चाहिए, मैं गवर्नमेंट हूँ। अंग्रेज़ बहुत अच्छा कानून बना गया, वो किताब मैंने लिखी है, मेरे पास 19 किताबें हैं, मैं 19 नंबर में इसकी एंट्री करूँगा। ये कह रहे हैं। ये वीडियो अभी आप वायरल करेंगे और सारी दुनिया को पहुँचाएंगे ताकि इस इम्पोर्टेड हुकूमत का मकरू चेहरा लोगों के सामने आए।